Praise the Lord and good evening, dear brothers and sisters, tonight. And welcome to the Bible study hour of Life Spring Assembly. और आज की शाम आप सबको जय मसीह की और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Life Spring Assembly के इस बाइबल अध्ययन के समय में. All of you who are listening. और आप में से वे सब जो इस बाइबल अध्ययन को सुनते हैं. It would be a wonderful thing if the whole family sit together and listen to the study. ये एक अद्भुत बात होगी अगर पूरा परिवार एक साथ बैठ करके इस बाइबल अध्ययन को सुने. Because these kind of lectures you will never receive in any Bible college. क्योंकि इस प्रकार का बाइबल अध्ययन का अध्ययन आप किसी भी बाइबल कॉलेज में भी आपको नहीं मिलेगा. And it is very important for God's people and especially believers, born again Christians, to know what the Scripture teaches concerning any matter. तो ये बहुत ही जरूरी है एक नए जन्म पाए प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के लिए कि वचन क्या सिखाता और बताता है. We are living in the last days. हम अंत के दिनों में जी रहे हैं. There are many, many false prophets and false teachers. और कई प्रकार के झूठे शिक्षक और झूठे नबी खड़े हुए हैं. One has to be careful and very mindful of whom you listen and what you listen. और इसलिए एक को सावधानी बरतने की जरूरत है, खुद को सावधान रखने की जरूरत है कि किसके वो सुनता है और किसके पीछे वो चलता है. Paul wrote to the church at Corinth. और पौलुस ने कुरिंथ की कलीसिया में मौजूद अपनी कलीसिया को एक पत्री को लिखा. And he wrote two letters. उसने दो पत्रियों को कुरिंथ की कलीसिया में लिखा. At the present we are looking into the first letter he wrote. और अभी वर्तमान में हम उस पहले पत्री की ओर है देख रहे हैं जो उसने लिखा. So we will continue the studying of chapter 12. और इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे अपने इस अध्ययन में जो कि पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय पर है. First Corinthians chapter 12 deals with the gifts of the Holy Spirit and their operations. और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय बात करता है आत्मिक वरदानों के विषय में और कैसे ये आत्मिक वरदान लोगों के भीतर काम करते हैं. So today we will begin. We will have this passage of 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. और इसलिए आज की शाम हम पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक पढ़ेंगे. And with that we will complete chapter 12. और इसके साथ ही हम 12वें अध्याय को समाप्त करेंगे. And so let us look into this passage. आइए वचन के इस भाग की ओर हम देखें. This is a lengthy passage. और ये वचन का ये जो भाग है ये काफी लंबा भाग है. But it is very important that we refresh ourselves by familiarizing ourselves once again the contents of this passage. लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी याददाश्त को तरोताजा करें वचन के इस भाग को पढ़ने के द्वारा ताकि ये पता चले कि यहाँ पर पौलुस क्या कहता है. So our pastor Mahendra will read it in Hindi. आइए इसलिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 31वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा. कृपया करकर आप भी अपनी बाइबलों में इस वचन की ओर देखिए. आमीन. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं. यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. यदि वे सब के सब सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ से होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है. आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना ही सिर पांवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते
उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारी शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंधन करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। Through the reading of God's word. और होने परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबको आशीष दे जैसे उसके वचन को पढ़ा गया। The theme of this particular passage has to do with the church, the body of Christ, and the gifts. और वचन के इस भाग का सारांश ये है कि कैसे परमेश्वर की कलीसिया या देह क्या है और उस देह में किस प्रकार के नाना प्रकार की वरदान काम करते हैं। This passage gives us one of the most meaningful description of the church. और ये वचन का भाग हमें बहुत अर्थ के संग वचन के इस भाग को समझाया गया है। And also one of the most meaningful messages on the church. That can be preached. और एक बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश जो कि कलीसिया के विषय में है, जिसका प्रचार या उपदेश दिया जा सकता है। The purpose of this passage is to stress the unity of the church. और इस वचन के भाग का उद्देश्य ये है कि कलीसिया में एकता पाई जाए। The church is said to be the body. A body of many parts. और कलीसिया को एक देह बताया गया है, एक ऐसी देह जिसमें कई प्रकार के अंग हैं। Compared to be a human body. जैसे उसकी तुलना एक मानवीय देह से करी जाए। And throughout the whole passage. और इस पूरे वचन के भाग से। It is the body of Christ and its unity. और ये तो प्रभु यीशु मसीह की देह और उसकी एकता के विषय में बात करता है। The human body is a picture of Christ. और मनुष्य के शरीर या देह प्रभु यीशु मसीह के दृश्य को दर्शाता है। And of his church. और उसकी कलीसिया को दर्शाता है। That is what verses 12 and 13. और यही बात begin with. 12वें और 13वें वचन से शुरुआत में कही गई है। There are five points to be considered. इस वचन के भाग में पांच ऐसी बातें हैं जिन्हें पर हमें अपना ध्यान लगाना है। Let me just mention them. उन पांचों बातों को मैं आपको बता दूं। Number one, some less gifted feel they are unimportant to the body. कई जो कम वरदान पाए हुए अंग हैं, उन्हें ये लगता है कि वो देह के लिए कम उपयोगी हैं। Verses 14 to 20. 14 से लेकर 20वें वचन तक। And some more gifted feel They are more important to the body. और कुछ जो ज्यादा वरदान पाए हुए हैं, उन्हें ये लगता है या वो ये मानते हैं कि वो देह के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। Verses 21 and 21 to 23. 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक। And the third thing to consider. और जो तीसरी बात हमें देखनी है। It is God who has put both the presentable and unpresentable. Into one body. ये तो परमेश्वर ही है जिसने शोभामान और अशोभामान दोनों को देह में रखा है। Verses 24, 25 and 26. 24वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक। And fourthly. और चौथी बात। Each is a part. और उनमें से हर एक इस देह का अंग है। A member of the body of Christ. और प्रभु यीशु मसीह की देह का एक अंग। Verses 27.
27वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक। एंड फिफ्थली, और पांचवी बात, ईच इज टू कवेट द वेरी बेस्ट गिफ्ट, और हर एक को सबसे उत्तम वरदान के लिए दौड़ना है। वर्स 31, वो है 31वां वचन। So having said this, और इन बातों को कहने के पश्चात, let us now consider first of all church the body of Christ, what is it? और आइए हम देखें कि कलीसिया जो परमेश्वर की देह है वो है क्या? Because this picture is very practical. क्योंकि ये दृश्य बड़ा प्रभावी और स्वाभाविक दृश्य है। The human body is one organism. और याद रखिए, मनुष्य का शरीर एक जैविक संरचना है। It's one person. वो एक व्यक्तित्व है। One being. और एक प्राणी। And one life. और एक जीवन। Yet it has many members. लेकिन फिर भी उसके पास कई सारे अंग हैं। And these members are also called many parts. और इन सदस्यों को कई अंगों के रूप में बुलाया जाता है। And however, लेकिन फिर भी, despite its many members, और इसके इस शरीर के कई सारे अंग होने के कारण, the body is one organic whole. फिर भी ये शरीर एक ही जैविक प्राणी है या एक ही जैव जीव है। And all the parts of the body are still in the body. और शरीर के सारे अंग उसी एक देह में जुड़े हुए हैं। And actually form the body, enabling it to function. और उस देह को बनाते और दर्शाते हैं जिसके द्वारा ये एक देह एक साथ काम कर सकती है। So it is with Christ. और ऐसा ही यीशु के संग भी है। Christ is one organism. और यीशु मसीह या यीशु भी एक जीव है। One person. एक व्यक्तित्व। One being. और एक प्राणी। One life. और एक जीवन। Yet he too has many parts or many members. लेकिन फिर भी उसके पास भी कई सारे सदस्य या कई सारे अंग हैं। And all these many members are to his body. और ये कई सारे अंग उसके देह के भाग हैं। Despite the many parts, और कई सारे अंग होने के बावजूद भी, many parts to his body, और कई सारे भाग जो उसके शरीर में हैं, his body is still organic whole. लेकिन फिर भी उसकी देह संपूर्ण देह है, एक जीविक देह के रूप में। It is one body. ये तो एक ही देह है। All parts of his body actually give him the form. और उसके शरीर के सारे अंग उसे एक संरचना या एक रूप देते हैं। Enabling him to function. और जिसके द्वारा वो काम करने लायक होता है। The human body and the body of Christ picture what the Holy Spirit does. और एक मनुष्य, एक मानवीय शरीर और प्रभु यीशु मसीह की देह इस बात को दर्शाते या दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है। Let me just make one remark as we before we continue. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। Jesus Christ began to do and began to teach while he was here on earth. और यीशु मसीह ने शिक्षा देना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया जब वो इस पृथ्वी पर था। And then he went to the cross and died, shed his blood, but he rose again on the third day. और उसके बाद वो क्रूस पर गया, उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, और उसने अपनी जान देने के बाद, लेकिन वो फिर से तीसरे दिन जी उठा। And went back to heaven after 40 days. और उसके 40 दिन के पश्चात वो दोबारा स्वर्गारोहण होकर स्वर्ग पहुंचा। Today Jesus Christ is not physically present here on earth. और इसलिए आज के दिन पृथ्वी पर शारीरिक रूप से यीशु मसीह उपस्थित नहीं है। But what he began to teach, he is continuing the same work and the same teaching. और लेकिन जिस बात की शुरुआत उसने करी, जिस काम को करने की, उसी शिक्षा और काम को वो जारी रखे हुए। How is it possible? ये कैसे संभव है? He has his body. उसके पास अपनी देह है।
and through this body of him aur is deh ke dwara today he does the same work usi kaam ko wo aaj ke din bhi karta hai not anything less kuch kam nahi and that's why before he went back to heaven he said this to his disciples aur isse pehle ki wo swarg rohan ho usne apne chelon se is baat ko kaha those who believe in me wo jo mujh par vishwas karenge they shall do the same work that I have been doing wo bhi usi kaamon ko karenge jaise maine kiye in fact They shall do greater works यहाँ तक कि वो मुझसे बढ़कर उन कामों को करेंगे जो मैंने किया And if you notice what God is doing these days, अगर आप देखें कि परमेश्वर किन बातों को आज के दिन कर रहा है that is exactly what is happening. और ऐसा ही हो रहा है And so, let us remember this. आइए इस बात को याद रखें Today, he does not physically go and lay his hands on the sick or touch somebody and or speak कि आज के दिन यीशु मसीह शारीरिक रूप से जाकर अपने शारीरिक हाथों को लोगों के ऊपर रखकर उनके लिए प्रार्थना करना उन्हें चंगा करने का काम नहीं करता बट स्पिरिचुअली स्पीकिंग लेकिन आत्मिक रूप से जब इसको बात करें इस बॉडी इज स्टिल हियर उसकी देह अभी भी यहाँ पर है एंड इट इज थ्रू द चर्च और ये कलीसिया अपनी देह के द्वारा ही इज डूइंग हिज वर्क वो अपने कामों को कर रहा है बिकॉज रिमेंबर व्हाट जीसस सेड क्योंकि याद रखिए जो यीशु ने कहा I will build my church, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail against और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध खड़े ना होंगे He has not given this job to anybody else. और ये काम उसने किसी और को नहीं दिया है He said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and he knows how to build it. और उसे पता है कि कैसे बनाना and he knows where to put each member, each brick. और उसे ये पता है कि हर एक सदस्य को हर एक ईंट को कहां लगाना And he is doing it. और वो ऐसा कर रहा है. And so, this is something that we need to understand. और ये एक ऐसी बात है जो हम सबको समझनी है. And so let us continue. और आइए हम आगे बढ़ेंगे. The body of Christ. प्रभु यीशु मसीह की देह. Is a picture what. The Holy Spirit does today. वो इस बात का दृश्य है जो पवित्र आत्मा आज के दिन करता है. And that is the human body and the body of Christ picture what the Holy Spirit does today in the world. और मानवीय शरीर और प्रभु यीशु मसीह का देह इस बात को दर्शाता है कि जो पवित्र आत्मा आज के दिन कर रहा है. So what does the Holy Spirit does? और पवित्र आत्मा क्या करता है? The Holy Spirit. First of all, the Holy Spirit baptizes believers aur pehli baat pavitra atma vishwasiyon ko baptisma deta hai and thus these believers are in brought into one body aur iske dwara ye vishwasi ek deh mein jod diye jate hain in other words dusre shabdon mein all the spirit filled baptized people of god are brought into one body which means into christ himself और जिसके द्वारा ये है कि सारे आत्मा से भरे विश्वासी एक साथ प्रभु यीशु मसीह की देह में लाए जाते हैं और जोड़ दिए जाते हैं Now what does the Holy Spirit does when we believe in Jesus Christ? और पवित्र आत्मा क्या करता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं and confess him as our Lord and Savior. और उसका मुख से यह अंगीकार अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में करते हैं There are few things I want to mention. कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ. Number one, पहली बात. The Holy Spirit immerses us into the death of Jesus Christ. पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में डुबा लेता है. God sees and counts us as in Christ. और प्रभु परमेश्वर हमें देखता है और हमें गिनता है प्रभु यीशु मसीह में. God actually counts us. As already died in the body of Christ. और प्रभु परमेश्वर हमें देखता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह में पहले ही मर चुके हैं. Therefore, और इसलिए, having died, और मरने के द्वारा, in Christ, प्रभु यीशु मसीह में, we never have to die again. फिर से हमें मरने की कोई आवश्यकता नहीं. That's what Romans chapter 4. Verse 22 says. और इसी बात को रोमियो की पुस्तक चौथा अध्याय 22वें वचन में हम देखते हैं. Apostle Paul again is the writer. और जहाँ पर पौलुस इस बात को ऐसे ही लिखता है. So I hope you understood this. अब मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात What को समझें. What the Holy Spirit does. कि पवित्र आत्मा क्या करता है.
He immerses the believers into the death of Jesus Christ. वो विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में डुबाता है. That's the way God the Father sees us. और इसी रीति से परमेश्वर पिता हमें देखता है. We died in the person of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में मरे. And secondly, और दूसरी बात, the Holy Spirit immerses us into His resurrection. कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में डुबाता है. Now God actually counts and sees us as having already been raised from the dead in the body of Christ. और परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता और जानता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में फिर से जीवित कर दिए गए हैं. And that's the way we must look at the cross. और इसी रीति से हमें भी क्रूस की ओर देखना है. And look at Jesus hanging on the cross. और यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटके हुए देखना है. Each believer must realize that in that person of Christ hanging on the cross, He was actually taking our place. एक हर एक व्यक्ति को समझना है कि यीशु मसीह जब उस क्रूस पर लटकाया गया, उसने मेरा और आपका स्थान लिया. He went to the cross not for himself. और उस क्रूस पर अपने लिए नहीं चढ़ाया गया. There was no sin in him. क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था. I was to go to the cross. आपको और मुझे उस क्रूस पर जाना था. You had to go to the cross. आपको उस क्रूस पर जाना था. But he took our place. लेकिन उसने हमारे स्थानों को लिया. And went to the cross and suffered everything that he suffered. और वो उस क्रूस पर गया और उन सारी दुख और ताड़नाओं को, पीड़ा को उठाया. And that's the way God the Father sees us. और इसी रीति से परमेश्वर पिता हमें देखता है. In His Son Jesus Christ. उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में. We must see ourselves. हमें खुद को, हमें खुद को देखना है उस क्रूस पर लटके हुए. That's what Apostle Paul understood. और इसी बात को पौलुस प्रेरित ने समझा. By taking our place, और हमारे स्थान को लेने के द्वारा, he saved us from the agony and excruciating pain and other suffering. और उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस सताए जाने को जिसे हमें होकर के निकलना था, उसने लिया और हमें बचाया. And yet, we who are born again and baptized in water, और लेकिन फिर भी हम जो नया जन पाए हैं और पानी का बपतिस्मा लिए हुए हैं, we are identifying ourselves with the death and burial and resurrection of Jesus Christ. हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके दफनाए जाने और उसके पुनरुत्थान में पहचानते हैं. And therefore, we already have the life of Christ. और इसलिए हमारे पास पहले से ही प्रभु यीशु मसीह का जीवन है. The Christ that Jesus promised abundant and eternal. और एक ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन और अनंत का जीवन है. So that's the way we must view ourselves when we think of our relationship with Christ. और इसी रीति से हमें अपने विषय में सोचना है जब हम अपने रिश्ते के प्रभु यीशु मसीह के साथ सोचते हैं. Thirdly, तीसरी बात, the Holy Spirit immerses us into the purpose of Jesus Christ. और ये पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्यों में डुबोता है. God counts us and sees us in the body of Christ. परमेश्वर हमें गिनता है और देखता है प्रभु यीशु मसीह की देह में. Working out and carrying out the very purpose as his son. और उस काम को करते हुए, आगे बढ़ते हुए, उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए जो उसके पुत्र ने किया. The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह. The point is. और यहाँ पर बात ये है. Very powerful. और बहुत सामर्थी बात. This point that we need to consider. और ये बात जिसके विषय में हमें सोचना है. We all genuine believers owe our very existence. हम जो सच्चे विश्वासी हैं, हम अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को
to the baptism of the Holy Spirit. को ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा से हमें मिला है. That's why every believer. और इसी कारणवश हर एक विश्वासी. Not only we baptize in water. ना केवल पानी में बपतिस्मा लिए हुए है. But we should be baptized in the Holy Spirit. लेकिन हम सबको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना है. And then only. और तभी. Our identification with Jesus Christ is complete. हमारी यीशु मसीह के संग जो पहचान है वो पूरी हो जाएगी. And this is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. A very precious truth. और ये एक बहुत ही बहुमूल्य सत्य है. When we understand this relationship with Christ. और जब हम इस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के संग समझते हैं. We know that Christianity is not a religion. तब हम इस बात को जानते और समझते हैं कि मसीहत ईसाईयत कोई धर्म नहीं. It is not a religious life. ये कोई धर्म का जीवन नहीं. It is a personal relationship. लेकिन ये तो एक व्यक्तिगत रिश्ता है. With the person of the Lord Jesus Christ. जो कि प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के संग है. In everything he went through. और एक हर एक वो बात जिससे होकर के वो निकला. We need to experience and feel that pain. हमें उस बात का अनुभव करना है, उस दर्द को महसूस करना है. The pain of dying. और वो दर्द जो मरने का दर्द है. That's Apostle Paul said it this way. Paulus Spirit ने उसे इस प्रकार कहा. I am crucified with Christ. कि मैं प्रभु यीशु मसीह के संग उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ. It's no longer I who live. अब ये मैं नहीं जो जीता है. I am dead. क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ. But it is Christ who lives in me. लेकिन ये तो प्रभु यीशु है जो मुझ में जीता है. That is what we need to understand. और इसी बात को हमें समझना है. And this is the way we identify ourselves. और इसी रीति से हम खुद को पहचानते हैं. So it is not a religious life. और इसलिए ये कोई धार्मिक जीवन नहीं. It is a very personal relationship with a very personal God through the Savior Jesus Christ. और ये एक बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता है, एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के संग. And when you and I understand this, और जब हम मैं और आप इस बात को समझ जाते हैं, then we know that it is not our will, but it is God's will. तब हम इस बात को जानते और समझते हैं कि ये हमारी मर्जी नहीं, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा. It is not our way. ये हमारा मार्ग या तरीके नहीं, God's way. लेकिन परमेश्वर के तरीके हैं. And we need to therefore completely submit ourselves and let Jesus Christ rule over us. और इसलिए हमें अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करना है और यह अनुमति देनी है कि यीशु मसीह हमारे जीवनों पर अपना राज्य करे. The point is very powerful. और ये बात बड़ी सामर्थ्य और शक्तिशाली है. We all who are genuine believers. और हम सब जो सच्चे विश्वासी हैं. Oh, our very existence to the baptism of the Holy Spirit. हम अपने स्थापना या अपने मौजूद होने की अवस्था को के लिए पवित्र आत्मा जिम्मेदार है. All that we have ever received of God is due to one thing only. और वो हर एक बात जो हमने परमेश्वर से पाई है सिर्फ वो एक ही बात के द्वारा संभव हुआ. What is that one thing? और वो एक बात क्या है? The baptism of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. And through that. और उसके द्वारा और उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की देह में जोड़ दिए जाते हैं. In other words, we are united. और दूसरे शब्दों में हम एक हो जाते हैं. Joined together. जोड़ दिए जाते हैं. In a very inseparable manner. और ऐसे रीति से जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता. God recognizes and acknowledges us only if we believe in Jesus. और परमेश्वर हमें देखता और समझता है और हमें पहचानता है प्रभु यीशु मसीह में. And only और सिर्फ if we are baptized into his body. अगर हम उसकी देह में बपतिस्मा पाए हों. Very important for us to realize this. और ये बात समझना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. God has to see us. और परमेश्वर को हमें देखना जरूरी है. See us where? कहां पर देखना जरूरी है?
God the Father has to see us in His Son Jesus Christ. परमेश्वर पिता को हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में देखना जरूरी है. He wants to see us in his body, the church. और वो हमें देखना चाहता है अपनी देह जो कि कलीसिया है उसमें. So no one who is born again. और इसलिए कोई भी जो नया जन्म पाया है and baptized, और बपतिस्मा लिया हुआ है and baptized in the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया हुआ है can even think of isolating himself or herself from the church fellowship. वो इस विषय में सोच भी नहीं सकता कि वो कलीसिया की सहभागिता से खुद को अलग कर ले. There are some people who think, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं. There are most of the people in the church are hypocrites. और कई सारे लोग जो हैं कलीसिया में पाखंडी हैं. And so what they pretend to be holier than the rest. और वो ऐसा दिखावा कर दिखाना चाहते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा पवित्र हैं. So they will say, और वो ऐसा कहते हैं, I come to church, मैं कलीसिया आता हूँ, and as soon as the service is over, I leave. जैसे ही सभा समाप्त होती है मैं चला जाता हूँ. I don't meet anybody, मैं किसी से मिलता नहीं. I have nothing to do with others, क्योंकि दूसरों के संग मेरा लेना देना नहीं. Why do they say that? और वो क्यों ऐसा कहते हैं? First of all, they say that because they don't read the Bible. कि वो ऐसा इसलिए कहते हैं पहले क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते. And secondly, और दूसरी बात, even if they read, और अगर मान लीजिए वो पढ़े भी, they have not at all understanding what they are reading. तब वो इस बात को नहीं समझ रहे कि वो जो पढ़ते हैं. And so the following explanations will make it all clear. और इसलिए आगे की जो बातें हैं वो इस बात को और स्पष्ट करेंगी. Which we shall do next Wednesday. और जिसके लिए हम अपने अगले बुधवार के बाइबल अध्ययन में आपसे बात करेंगे. But here, let me, before I close, let me say. और लेकिन इससे पहले जब मैं इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करूँ इस बात को कहना चाहता हूँ. You have to love everyone in the body of Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह की देह में हर एक से प्रेम रखना है. You have to be related to every member of the church. और कलीसिया के हर एक सदस्य से एक रिश्ता एक जोड़ आपका होना चाहिए. You remember what the church is. क्योंकि आपको ये याद रखना है कि कलीसिया क्या है. The church is Jesus's body. ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है. And it is through this body today he moves in the world. और इस कलीसिया अपनी देह के द्वारा ही उस संसार में आज के दिन चलन करता है. Whatever he did when he was here on earth. और वो हर एक उस बात को करता है आज के दिन भी जब वो पृथ्वी पे था और उन कामों को करता था और हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करना और मरे हुओं को जिलाना और कोढ़ियों को शुद्ध करना welcoming and accepting the rejected and the forsaken people. और त्यागे हुए तिरस्कार किए हुए लोगों को स्वागत करना उन्हें अपनाना the sinners. और पापी He invited and he welcomed everyone. वो हर एक का स्वागत करता है. And their lives were changed. और उनके जीवन बदल जाते हैं. And today he does the same thing. और आज के दिन भी वो इन्हीं बातों को करता है. The only difference is. सिर्फ एक ही अंतर है. He does it all through his body, the church. अपनी देह के द्वारा करता है जो कि कलीसिया है. Therefore, और इसलिए if you are a part of the church, अगर आप कलीसिया के एक सदस्य हैं, you have to recognize these truths. आपको इन सच्चाइयों को पहचानना है. Each part is very necessary for one body to function perfectly. हर एक अंग की बड़ी आवश्यकता है ताकि देह सुचारू रूप से सही ढंग से काम करने पाए. And I simply cannot separate themselves from the body and then go separate way. और एक आंख अपने आप को शरीर से अलग करके दूसरी दिशा में नहीं जा सकती. It's impossible. ये असंभव है. And no one can exist. और कोई ऐसे नहीं जी सकता. The only way we can live is to be joined to the other parts. और एक ही मार्ग एक ही तरीके जिसके द्वारा हम जी सकते हैं वो है हम सारे दूसरे अंगों के संग जुड़े रहें. So my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, let us always be careful. हम हमेशा ध्यान बनाए रखें. How we treat others in the body. कि कैसे हम दूसरों के संग देह में व्यवहार करें. You will have to treat them with love. आपको उन सब के संग प्रेम से व्यवहार करना and cooperate. है. और उनके संग Never, कंधे से कंधा मिलाना you है. cannot cause any kind of division. आप किसी भी प्रकार
के विभाजन को नहीं ला सकते। You cannot do that unless you break the body. और ये आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप देह से अलग ना हो। और इसलिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे। उन्हें दे हम दीन हो जाएं। And be united with the rest. और सब लोगों से जुड़े रहें। And don't isolate yourself from the community. और समाज से अपने आप को अलग ना करें। And be a blessing. और सबके लिए आशीष बने। In the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And I pray that the Holy Spirit will continue to bless you and use you, that the body of Christ, the church, the fellowship that you belong to, shall be strengthened and shall function properly and effectively. मेरी प्रार्थना यही है कि आप प्रभु यीशु मसीह की देह से कलीसिया से जुड़े रहने पाए ताकि वो देह सही ढंग से और सामर्थ्य ढंग से काम करने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Have a good night. एक अच्छी रात्रि आपकी भी। And remember, worship the Lord. और याद रखें परमेश्वर की आराधना करें उसके लिए प्रार्थना करें। Before you lie down. इससे पहले कि आप सोएं। And rise up in the morning. और सुबह उठकर। To face another day by the grace of God. एक नए दिन का आप सामना करें परमेश्वर के अनुग्रह से। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।